हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दी विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज रिव्यू करेंगे विस्लस विस्की का। सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आजकल हरियाणा में ये किस प्राइस में मिल जाती है, चंडीगढ़ में इसका क्या रेट है और आपको इसमें क्या नोट्स मिलेंगे, क्या टेस्ट मिलेगा, इसी सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको इतनी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इसे शेयर किया करो। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़, मैं हमेशा के बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, हेल्प करो हमें ग्रो करने में। तो दोस्तों, ये है बॉक्स विस्लर्स विस्की का। पिकार्डली ग्रुप की ये विस्की है सिंस 1967, जो कि इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। बॉक्स देखने में काफ़ी अच्छा है, एक कैनिस्टर पैकिंग है, वाइट कलर के बॉक्स में ये आती है। इसके ऊपर लिखा है ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की, लेकिन ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉल्ट विस्की का यूज़ नहीं किया गया, इसमें ग्रेन विस्कीज भी आपको मिलेंगी। तो थोड़ा सा ये भी कंपनी अगर मेंशन कर देती तो ज़्यादा अच्छा था। ऊपर लिखा है कि नो एडिट फ्लेवर्स, ये बात काफ़ी अच्छी है कि इसमें बिल्कुल भी एडिट फ्लेवर्स नहीं डाले गए, ये इसका बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर्स होगा। एक चीज़ कंपनी और मेंशन करती है कि 100% मैच्योर्ड इन ओक बैरल्स, तो इसको ओक बैरल्स में मैच्योर किया गया है। ये एक इंडियन विस्की है, 750 ml की बॉटल है, 42.8% इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ है। प्राइस की बात कर ली जाए तो चंडीगढ़ में लेटेस्ट प्राइस इसका 700 रुपये है, 700 में आपको मिल जाएगी। और हरियाणा की बात की जाए तो 600 की आपको मिल जाएगी। जी टाउन वाइन से मैंने गुड़गांव से इसको बाय किया है और वहां से मुझे ये केवल 500 रुपये की मिली है। जी हाँ, 500 रुपये की 750 ml की बॉटल जी टाउन वाइन से गुड़गांव से मैंने बाय की है, जो कि एक काफ़ी ज़बरदस्त प्राइस है। तो जल्दी से मैं इसकी बॉटल आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि बॉटल काफ़ी अच्छी है देखने में। तो ये है बॉटल विस्लस विस्की की। बॉटल की जो शेप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैक साइड से ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, ऊपर से थोड़ी राउंड है, तो एक डिफरेंट लुक इन्होंने अपनी बॉटल को प्रोवाइड की है। इसमें आपको एडिट कलर्स मिलेंगे, लेकिन एडिट फ्लेवर्स आपको नहीं मिलेंगे, जो कि एडिट कलर्स नॉर्मली सभी विस्कीज में हमें मिलते हैं। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब इसको जल्दी से ओपन करते हैं, पोर करते हैं ग्लास में, फिर इसकी नोजिंग चेक करते हैं और टेस्ट चेक करते हैं। तो दोस्तों, हमने हमारी विस्की को ग्लास में डाल दिया है। कलर इसका लाइट है, बहुत ज़्यादा इसका जो है कलर नहीं है, हालांकि इसमें एडिट कलर्स डाले गए हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी कैसी बॉडी बन रही है। वैसे तो ग्लास में ये काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रही है देखने में, और इसकी जो बॉडी बन रही है ये भी मीडियम बॉडी बन रही है, काफ़ी ज़्यादा हैवी बॉडी नहीं बन रही। तो इसकी जो माउथ फील होगी ये भी मीडियम होगी आपके पैलेट पर। तो अब जल्दी से इसकी नोजिंग करते हैं। चीयर्स। ऑन द नोज सबसे पहले फ्रूटीनेस आपको मिलेगी, बिल्कुल भी अल्कोहल का पंच इसमें नहीं मिल रहा, काफ़ी माइल्ड है इसकी नोजिंग। हल्की हल्की ओकीनेस इसमें मिल रही है और बिल्कुल माइल्ड सी, बिल्कुल लाइट आपको स्मोकीनेस भी इसमें मिलेगी। तो नोजिंग के ऊपर तो काफ़ी अच्छी ये लग रही है, काफ़ी दमदार लग रही है। तो जल्दी से इसका टेस्ट करते हैं। चीयर्स। वेरी लाइट ऑन पैलेट, काफ़ी पतली लग रही है, जैसे कि मैं बोल रहा था मीडियम बॉडी है, तो काफ़ी ईजिली गल्प हो रही है, बिल्कुल भी इसने वो बर्न नहीं दिया मेरे को। लेकिन फिर भी मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस प्राइस रेंज की विस्कीज को नीट पियो, हमेशा उसको डाइल्यूट किया करो, उसके बाद इसको पिया करो। ओकीनेस का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, जैसे कि इसको ओक बैरल्स में मैच्योर किया गया है, तो वो वुडीनेस आपको मिलेगी। भाई प्राइस रेंज के हिसाब से ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। हल्का सा इसमें पानी डालते हैं, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, अब मैं दोबारा से इसका टेस्ट करता हूँ। चीयर्स। बहुत बढ़िया टेस्ट है, वनीला फ्रूटीनेस वुडीनेस, काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। जिस प्राइस रेंज में मैंने बाय किया ना भाई, 500 रुपये में
बहुत बढ़िया टेस्ट दे रही है ये, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एक अंडर 1000 की विस्की पी रहा हूँ, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। भाई वाह, काफ़ी अच्छी है, पानी के साथ भी काफ़ी अच्छी लग रही है पीने में, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये अच्छा टेस्ट है इसका। आप में से किस किस ने ट्राई किया है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी, भाई 500 में मैंने इसको बाय किया है और 700 में ये चंडीगढ़ में मिल जाती है, उस हिसाब से 8.5 मैं दूंगा इसको 10 में से, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर है इस प्राइस रेंज की विस्कीज का। एडिड फ्लेवर्स में इसमें नहीं डाले गए, इसको 100% ओक बैरल्स में मैच्योर किया गया है और 500 में मिल रही है, इस हिसाब से बहुत बढ़िया विस्की है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।